बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने आज बनाया है स्मोकी बीफ यानी धुआं गोश्त। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है और बहुत मज़ेदार इसका रिज़ल्ट आता है। बहुत डिफरेंट टेस्ट है इसका। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं और ये इतना मज़ेदार है कि आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, या चाहें तो आप बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और इसकी रेसिपी। ये इसके मसाले हैं, थोड़े से मसाले हैं जिनसे ये तैयार होगा। नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून मैंने ली है कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला है पिसा हुआ। साबुत गर्म मसाले में दालचीनी है, बड़ी इलायची और लौंग है, लहसुन अदरक का पेस्ट है जिसको मैंने हरी मिर्चों के साथ पीस लिया है, और तिक्का मसाला मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। 2 प्याज हैं, इनको मैं बॉयल करके ग्राइंड कर लूँगी जो कि इसकी बेस बनाएंगे सालन की। 1 kg बीफ है, इसको मैंने छोटी बोटियों में कटवा लिया है। आप थोड़ी सी फैट अगर इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर तो वो भी बहुत मज़े का जायका देती है। तो ये सब मसालों के साथ अब मैं इस गोश्त को तकरीबन 4 घंटे के लिए, अगर चाहें ये नहीं तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं मैरिनेट करके। यहाँ पर मैं तमाम स्पाइसेस और जो गर्म मसाला है साबुत वो भी डाल दिया है इसके अंदर। इसके अंदर आप चाहें तो जो दही है उसको ऐड करके भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं दही जो है वो बाद में डालूंगी क्योंकि ये सब मसाले जो हैं इसके ऊपर लग जाएंगे, तो फिर बाद में जो है दही ऐड करेंगे। यहाँ पर अब तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर जो बॉयल अनियन थे उनकी पेस्ट बनाकर मैंने ऐड कर दिया है। स्मोकी बीफ के अंदर जो प्याज है उसको बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता फ्राई, क्योंकि ये इसकी एक बेस बनाता है यानी कि मसाला बनाता है दही और ये जो थोड़ी सी प्याज है। आप चाहें तो प्याज नहीं भी यूज़ करें, कुछ लोग सिर्फ दही के साथ ही मसाला बनाते हैं, लेकिन अगर आप बॉयल करके इसमें अनियन डालते हैं तो जो प्याज का जायका है वो इतना ज़्यादा नहीं आता और सालन की एक बेस भी बन जाती है बहुत मज़ेदार। यहाँ पर मैंने अब जो मैरिनेटेड बीफ था उसको मैंने डाल दिया है और उसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको अभी मैं कुक नहीं करूँगी, सिर्फ प्याज के साथ थोड़ा सा मिक्स करना है। अच्छे से इसको मिक्स करके तो उसके बाद जो है वो प्रेशर देंगे जितनी देर में ये गल जाएगा। आप चाहे तो इसको वैसे भी पका सकते हैं, नहीं तो प्रेशर से ये तकरीबन 25 से 30 मिनट में अच्छा सा गल जाएगा। एक प्याज को मैंने डार्क फ्राई करके इसके अंदर डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा इसका एक फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है सालन का। तो इसको डालने के बाद अब मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही तकरीबन 750 ग्राम्स है यानी कि तकरीबन 3 पाव है, इसको मैं फेंट कर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों से यानी प्याज से और दही से इस स्मोकी बीफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आम सालन जब खाने का जो टमाटर प्याज वाले होते हैं नहीं दिल करे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सा टेस्ट है इसका। इसको मिक्स करके बस मैं इसी के अंदर जो है वो पकाऊंगी, मज़ीद पानी ऐड नहीं करूँगी, ये इसी में तक गल जाएगा 20 से 25 मिनट में, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में बहुत अच्छा गल जाता है। हरी मिर्ची 3-4 ऐड करी हूँ, इससे भी इसकी स्पाइस थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो प्रेशर हो गया है, तकरीबन 30 मिनट बाद मैंने इसको खोला है, इसकी बोटी बहुत अच्छी गल गई है। अब जो थोड़ा सा पानी है उसको मैं ड्राई कर रही हूँ, जितना मसाला चाहिए। तो यहाँ पर अब इसको आती है स्मोक लगाने की बारी। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा कोयला जो है वो अच्छे से जला के रख दिया है। तेल डालने से पहले ही वो काफ़ी धुआं छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी तेल डालना है ताकि थोड़ा सा और स्मोक आए। तो यहाँ पर फ़ौरन ही आपने ढक देना है, क्योंकि मुझे जो है वो ढक्कन नहीं मिल रहा था और काफ़ी सारा धुआं जो है वो निकलता ही जा रहा है। तो यहाँ पर अब तकरीबन फाइनली मुझे ढक्कन मिल गया है और जो बाकी स्मोक बचा है उसको अंदर ही बंद कर दिया है, और लेकिन फिर भी इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर और बहुत अच्छा स्मोक आ गया था। तो बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सा स्मोकी बीफ यानी धुआं गोश्त तैयार है। आप इसको रोटी के साथ और नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी के साथ आप बीफ को ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। रेसिपी पसंद आए तो आप अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।